श्री राधे राधे भक्तों, आज हम श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव के पावन कथा के दर्शन कराएंगे। जो क्या कथा करने के समय पर उससे पहले क्या तैयारियां की जाती हैं, कैसे सजाया जाता है और कैसे कैसा वातावरण और कैसे दृश्य रहता है। जो वृंदावन में है, जो गुरुगोपाल आश्रम से जुड़े हैं भक्त, वो तो सभी जानते हैं और सभी इस भाव का आनंद लेते हैं, इस अनुभव करते हैं ये चीज़। जो श्रीमद् भागवत कथा कहीं क्षेत्र में चल रही हो, सिर्फ वृंदावन में नहीं, कहीं पर, लेकिन क्या आपको एक विशेष बात पता है? जहाँ श्रीमद् भागवत कथा स्थापित हो जाए, वहीं वृंदावन, वहीं सारे दी देवतों का, उस सारे शक्तियों का वहीं पर स्थापना हो जाती है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ पर एक स्वर्ग सा हो जाता है। आप कभी नोटिस करना, कभी भी आप कथा में पिंडाल में जाओ तो आपको एक अलग ही शक्ति महसूस होगी, और जितनी देर तक समय तक कथा सुनोगे, उतनी देर तक आपका मन कहीं नहीं भटकता है, विचलित नहीं होता है। लेकिन आप कथा से जैसे जाते हो, बहुत सारे जो गुरुदेव हमें बातें बताते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं, 100 में से कुछ ही भक्तों के मन में रहती होंगी, वैसी कथा पिंडाल से निकलते खनी अपने घर गृहस्थियों में फिर से दौड़ने लग जाती है। इस मन को शांत करने का कारण, इस मन को कंट्रोल करने का, अपने वश में करने का कारण केवल और केवल दिमाग में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि हमें ये भी करना है, ये हमें ये भी करना है। ख़ास करके माताओं के लिए, जो अपने कोई बिजनेस का, कोई अपनी घर गृहस्थी का, कोई बच्चों का, तो कोई अपने रिश्तेदारों को, और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इस मन को जो हमें सुनते हैं, वही इस मन में बैठ जाता है और ज़्यादा समय से होता है तो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा मन सदा हमारे वश में रहे, हम जो करें उसी पर निर्भर रहे और काम भी होता रहे, श्रीमद् भागवत कथा कंटिन्यू रोज सुने। और आप सोच रहे होंगे कि कथाएं हर जगह थोड़ी रोज़ होती हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव की वाणी से कथा अच्छी लगती है, उनका आनंद आता है उनकी वाणी से, तो उनकी आईडी पर जाकर आप कथा सुन सकते हैं। आस्था पे भी कथा आती है, 2 बजे से 3 बजे स्टार्ट होती है, आप वहाँ पे भी आस्था से सुन सकते हैं। करोड़ों परिवार जुड़ा हुआ है और आप सभी को नहीं मिल रहा टाइम टीवी पे सुनने का, कोई बात नहीं, आपको हर जगह गीता और हमारे जो धर्म, सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, आप अपने घर में भी ला सकते हो, घर बैठे अपने समय निकाल कर पढ़ सकते हो। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, जो हम रटते हैं, वो अपने मन में बसा लेते हैं, और अपना कार्य करते रहें और मन में आप वो चलता रहे। लेकिन आप कहते हैं ना, हम गलत चीज़ देखते हैं तो हमारे मन में घुस जाती हैं। गुरुदेव ऐसे कहते हैं, जो हम देखते हैं वही हमारे अंदर उतर जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल है, अपने कथा सुने, देखें, पढ़ें, और वो तो अच्छी चीज़ है, और हमारे मन में उतरेगी तो हमें और ज़्यादा अनुभव परमात्मा का होने लगेगा, उनकी कृपा का अनुभव होने लगेगा। और जिनको अनुभव होता है वो बहुत भाग्यशाली हैं कि ठाकुर की कृपा उन पर साक्षात है। क्योंकि ये माया, सबसे बड़ा कर्म तो वही है, सबसे बड़ी साधना तो वही है, जो अपना कार्य करते करते भी अपने हमेशा सदा परमात्मा से जुड़े रहे। लाख परेशानी आए या बहुत ज़्यादा माया सताए, फिर भी अपने ठाकुर जी से प्रेम कम ना हो, सबसे बड़ी साधना वही है। जब काम, क्रोध, मद, मोह, माया बहुत ज़्यादा सताती है हमें, तब तब हमारे नेत्र आंसू, दिल दुखता है और ऐसा लगता है बस सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी की शरणागत में आ जाएं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, किस कारण? क्योंकि 30,000 भक्तों की सेवा पर डे रोज करते हैं। गौ माता री, बांदर री, माताएँ री, और यहाँ तक कि संत, अन्य क्षेत्र, हजारों भक्त, हजारों संत प्रसाद ग्रहण करते हैं। गौ माताओं के पास भी समय बिताते ज़रूर हैं गुरुदेव, क्योंकि गौ माता भी इस प्रकार प्रेम करती हैं हमारे
जैसे जन्म देने वाली माँ करती है। जब गुरुदेव उनके पास जाते हैं तो अपने पुत्र समान गौ माता अपना बहुत ज़्यादा प्रेम देती हैं, महासंतों के गले लगकर आशीर्वाद पाते हैं। अन्य क्षेत्र भोवत जनों का भूखों का पेट भरते हैं गुरुदेव, यहाँ तक कि माताओं के अब सहारा बने जो बेसहारा थी। गुरुदेव के लिए इन सेवाओं के लिए सब्सक्राइब करें और प्यार प्यार कमेंट